हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। खेसारी लाल यादव सर की एक फिल्म आने वाली है अपकमिंग, जिसका नाम है राजा राम। उसका जो टीजर है उसको आउट किया गया और उनके जो डायरेक्टर थे या फिर मूवी मेकर थे, मे बी हो सकता है शायद, लेकिन थे वो उसी इंडस्ट्री से। तो उनका एक छोटा सा मैंने एक ग्लिम्प्स देखा था वीडियो का, उन्होंने बोला कि ये एक पहला भोजपुरी मूवी का टीजर या ट्रेलर है जो कि ट्रेंडिंग में गया है। मैं उनकी बताई हुई बात बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है कि ट्रेंडिंग में गया है नहीं गया, लेकिन मेरे को इतना पता है कि गाने अक्सर जाते रहते हैं मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं इस टीजर के बारे में कि आखिर ये जो टीजर है वो है कैसा। एक्चुअल में खेसारी लाल यादव सर के दो रूप दिखाए गए हैं, यानी कि पहला वाला जो पार्ट है या फिर जो ग्लिम्स है हमको वीडियो के अंदर जो दिखता है टीजर के अंदर, उसमें खेसारी लाल यादव को एज ए लॉर्ड राम के करेक्टर में दिखाया गया है। वहीं दूसरे वाले करेक्टर में एक बंदे को दिखाया गया जो कि काफ़ी मॉडर्न है, जिसका नाम राजा है, और लोग जो है उसको राम समझ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यार मैं, हम कोई राम नहीं है, हम राजा हैं। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है, और लास्ट में उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि तुम ही नहीं बाबू, पूरा हिंदुस्तान हिलेला। मे बी वो बोल रहे थे कि जो भी ये टीजर देख रहा है उसको भी समझ नहीं आया, आप हिल गए हो कि आखिर एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्टोरी क्या है। तो आप ही नहीं, तुम ही नहीं, सारे जो हिंदुस्तान है जिसने भी ये देखा है वो सब हिलेंगे। अब ऐसा क्या है इस टीजर के अंदर, वो तो मेरे को कुछ खास पता नहीं लगा है, क्योंकि यार डीकोड करना तो तभी पॉसिबल है ना, कुछ थोड़ा बहुत हिंट हो। अब एक तो इन्होंने इतने ज़्यादा पुराने टाइम का कुछ दिखा दिया है, पर एकदम से उस बंदे को मॉडर्न दिखा दिया है। अब यार, अब ऐसा कुछ होता कि मान लीजिए कर्ण अर्जुन वाला कोई सीन होता या फिर एक पुनर्जन्म वाला सीन होता, तो शायद कुछ डिकोडिंग का एक ऑप्शन बनता भी था। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने करेक्टर दिखाया है, पहले वाला जो 20 से 30 सेकंड का सीन है, उसमें एज ए भगवान राम की वेशभूषा में केसरी लाल यादव को दिखाया है, तो डिकोड करने का कोई मतलब बन नहीं रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा लड़का या इंसान हो जो कि मर गया है लेकिन पहले, या फिर हो सकता है कि वो गायब हो गया है और वो उस गांव में या फिर शहर में ऐसे काम करता हो कि लोग उसको राम जी के तरह देखने लगे हों और काम काफ़ी अच्छे हों उसके, और फिर वो बंदा कोई और आ जाता है, जैसे कि फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। तो लोग बोल रहे हैं ये तो राम है, वो बोल रहे हैं कि मैं राम नहीं, मैं राजा हूँ। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, मे बी। बाकी तो और कोई थ्योरी यार मेरे पास बन नहीं रही है अभी के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।